हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम जा रहे हैं मनोकामना मंदिर नेपाल। तो हम लोग यहाँ से निकले हैं गोरखपुर होते हुए, तो महाराजगंज के पास से हम लोग जा रहे हैं। और ये ठूठी बारी आपको यहाँ पे बॉर्डर मिलेगा, उस बॉर्डर को आप जैसे ही क्रॉस करेंगे तो आपको मिल जाएगा नेपाल का बॉर्डर। तो अभी हम नेपाल का बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम पहुँचते हैं नेपाल के अंदर। तो हम जा रहे हैं अभी नेपाल के अंदर। तो यहाँ पर आप आ जाते हैं नेपाल का, ये बैरियर है, ये इसका लास्ट चेक पॉइंट है। यहाँ आके आपको भंसार कटवाना होता है। तो भंसार का एक दिन की लिमिट होती है, 100 रुपये कटता है। तो आप यहाँ पे 2 से 3 दिन का ले सकते हैं। तो हमने यहाँ 3 दिन का लिया है और हम लोग फिर अब आगे निकल गए हैं। और एक ज़रूरी बात, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो गाड़ी के पेपर कंप्लीट करके ही आएँ। और दूसरी चीज़ ये, DL मस्ट लेके ही आना है आपको। DL आपका लगातार चेक होगा। भंसार हमेशा अपने पास सेफ्टी के तौर पे ज़रूर रखें, उसको यहाँ वहाँ ना रखें। तो आप रास्तों का मज़ा लीजिए और मिलते हैं मनोकामना मंदिर पे डायरेक्टली। ओके, तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, अब हम आ गए हैं मनोकामना मंदिर के एंट्रेंस गेट के पास। तो ये है आपका एंट्रेंस गेट, यहीं से होते हुए हमको जाना है मनोकामना मंदिर। और रोप वे के सहारे आपको जाना पड़ेगा क्योंकि मनोकामना मंदिर तक पहुंचने का रास्ता इतना ईजी नहीं है, उस पहाड़ी पे जाना पड़ेगा आपको भी। तो अभी हम जाते हैं, अपनी बाइक पार करते हैं, उसके बाद हम रोप वे होते हुए सीधा पहुँचेंगे मनोकामना मंदिर। तो मिलते हैं मनोकामना मंदिर में। ये है यहाँ का पार्किंग एरिया। और जो बाइक की टिकट का कॉस्ट है वो है 10 रुपये, जो कि आपकी घंटे के हिसाब से लगेगा, यानी कि 1 घंटे का 10 रुपये चार्ज किया जाएगा। जितने घंटे आप रुकेंगे उतना चार्ज आपका यहाँ पे लगेगा। और रोपवे का जो टिकट का कॉस्ट है वो आपको पड़ेगा 550 रुपये इंडियन करेंसी के हिसाब से। तो हमने टिकट ले ली है और हम अभी जा रहे हैं रोपवे की तरफ। अपना नंबर भी अब आ ही गया और जो मेरे को एक्साइटमेंट हो रहा है वहाँ पहुँचने का, और जो हम ऊंचाई देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मानो कि जन्नत में आ गए हो। तो आप भी नज़ारा देखिए और आपको भी वाकई बहुत अच्छा लगेगा यहाँ का नज़ारा देखने के बाद। और ऊंचाई का जो मैंने मज़ा लिया यहाँ पर आने के बाद, वो वाकई शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, उसको तो सिर्फ आप फील कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए शब्द नहीं होते। तो अभी हम पहुंच गए हैं और यहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है पैदल। तो अब आप पैदल चलने के लिए तैयार हो जाइए। ये पूरा मार्केट है यहां से, तो यहां आपको स्टार्टिंग से ही आपको मिल जाएंगे उधर पे चढ़ाने के लिए फूल माला नारियल, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और शॉपिंग का आइटम भी यहाँ काफ़ी सारा अवेलेबल है, तो आप अगर चाहें तो वो भी ले सकते हैं यहाँ से। तो ये यहाँ का फर्स्ट व्यू है, जब मैं पैदल पहला मैंने व्यू देखा मनोकामना मंदिर का, तो वाकई बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो अभी आप भी यहाँ का पूरा आनंद उठाइए। तो हम अभी मिलते हैं आगे।
ये मंदिर दुर्गा माता जी का ही एक रूप है जो यहाँ पे स्थापित है, और यहाँ पर जो भी मनोकामना आप मांगते हैं वो ज़रूर पूरी होती है। और तो जिस दिन मैं यहाँ आया हूँ और आज मैं ब्लॉग यहाँ पे डाल रहा हूँ तो मेरी भी एक मनोकामना पूरी ही हो गई है। तो 3.5 घंटे लाइन पे लगने के बाद फाइनली अब मुझे लग रहा है कि मेरा नंबर भी आने वाला है। तो अभी हम लाइन पे ही लगे हुए हैं, आई होप नंबर जल्दी आएगा। तो मैं आपको अंदर का व्यू नहीं दिखा पा रहा क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए बाहर से ही सारा व्यू मैंने आपको दिखाया है कि बाहर से मनोकामना मंदिर कैसा लगता है। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा मेरा सारा व्लॉग और जो भी मैंने आपको दिखाया है। तो मैंने भी मनोकामना अपनी मांग ली है, तो देखिए मनोकामना पूरी होती है। तो अभी हम जा रहे हैं और हमारे भी कुछ फ्रेंड्स बन गए, तो उनको टाटा बाय बाय करते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।